नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपनुं स्वागत है। आ विडियो में आपणे घरे शीखीए जुलाई 2020 अंतर्गत धोरण 5 ना इंग्लिश विषयनी प्रवृत्तिओनी समजूती मेळवीशुं, तो विडियो अंत सुधी जोशो। चैप्टर 1 4 5 6 7 8 9। पहली प्रवृत्ति है माय डेली वर्क। घड़ियाल में दर्शावेल समय ने शब्दों में लखो। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમને પ્રવૃત્તિમાં દિવસ દરમિયાન જે આપણે કામકાજ કરતા હોય છે તે અને તેનો સમય ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો છે। તો આ સમયને આપણે શબ્દોમાં લખવાનો છે, પરંતુ અંગ્રેજીમાં। તો સમયને અંગ્રેજીમાં કેવી રીતે શબ્દોમાં લખાય તે વિશે થોડું સમજી લઈએ। કલાકને અંગ્રેજીમાં ઓ ક્લોક કહેવાય છે। एटले जो आपणे 5 वाग्या एवं दर्शावुं होय तो आपणे लखी सकीए 5 o'clock। तो आना उपरथी तमने 5 वाग्या होय, 6 वाग्या होय के 7 वाग्या होय ए लखता आवड़ी जशे। परंतु जो 5:30, 6:30 के 7:30 एवी रीते वाग्या होय तो केवी रीते लखवुं, तो एना माटे शब्द याद राखवानो छे 5:30। दाखला तरीके 5:30 वाग्या होय एटले के 5 पछी बीजी अर्धी कलाक थई गई छे, एटले के 5:30। तो हवे आटलुं शीख्या पछी तमने प्रवृत्ति खूबज आसानी थी आवड़ी जशे। तो चलो प्रवृत्ति करिए। तो अहीं डेली वर्क में पहलू काम बतावेलू छे क्लीन ध टीथ, एटले के दाँत साफ करवा, ब्रश करवू। तो एनो समय केटलो दर्शावेलो छे घड़ियाल में 6 वाग्यानो। तो आपणे तेने शब्दों में लखशू 6 o'clock। त्यार पछी छे टेक बाथ। तेमां तमे जोई शको छो के घड़ियाल में 6:30 कलाक बतावेला छे। तो आपणे तेने शब्दों में लखवू होय तो केवी रीते लखशू 6:30। तो आ रीते तमारे अलग अलग डेली वर्क बतावेल छे तेना समयने शब्दों में तमारे जाते लखवानुं छे। त्यार पछी आगळ जोईए। नीचे आपेला समयने अनुरूप घड़ियाल में मिनिट अने कलाकनो कांटो दोरो अने योग्य जोड़का जोड़ो। तो अहीं जे डाबी बाजू समय अने घड़ियाल दोरेली छे तो समय अनुरूप तमारे घड़ियालनी अंदर कांटा बताववाना छे। तो ते केवी रीते दर्शाववाना छे ते तमे अहीं स्क्रीन उपर जोई शको छो। हवे जमणी बाजुए तमे जोई शको छो के डेली वर्क बतावेलुं छे। तो अहीं समय अने डेली वर्क साथे योग्य जोड़कू जोड़वानुं छे। तो अहीं सवारे उठवानो समय 6 वाग्यानो छे, तो 6 o'clock सामे वेकअप छे तेने जोड़ी देशुं। तो आवी रीते तमारे आ योग्य रीते जोड़कू जोड़वानुं छे। त्यार पछी आगळ मित्रों, अहीं एक कविता आपेली छे, तमे ते वाँचो अने साथे साथे आपेला QR कोड द्वारा तेने सांभळो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं जे कविता आपेली छे तेने तमारे वाँचवानी छे अने आ कविता ने जो तमारे सांभळी होय तो तमे QR कोड स्केन करशो एटले तमने सीधी ज आ कविता मळी जशे, त्यांथी तमे सांभळी शकशो। अने साथे ए पण जणाव्युं छे के अहीं हाथनो पंजो आपेलो छे, तेमां तमारे दरेक आंगळाने नाम आपवाना छे अने ते दरेक आंगळाने एवुं नाम शा माटे आपेलुं हशे ते तेनी बाजुमां रहेल जग्यामां लखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हुं तमने काव्यना आधारे दरेक आंगळीना नाम जणावुं छुं, परंतु आंगळीनुं एवुं नाम शा माटे राखवामां आव्युं हशे ते तमारे जाते अहीं लखवानुं छे। तो अहीं आकृतिमां जुओ के अंगूठाने कहेवाशे थंबकिन, तेना पछीनी आंगळी छे ते पॉइंटर, तेना पछीनी वच्चेनी आंगळी छे तेने कहेवाय टोलमेन, तेनी बाजुमां रिंगमेन अने सौथी नानी आंगळी छे तेने कहेवाय छे पिंकी। तो अहीं अंग्रेजी विषयनी प्रवृत्ति पूर्ण थाय छे। विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक, कमेंट अने शेर जरूरथी करजो। તેમજ ઘરે શીખીએ અંતર્ગત બીજી તમામ પ્રવૃત્તિના વિડીયોની નિયમિત અપડેટ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો। ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં, આવજો।